फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं त्रिलोकपुर, जहाँ माहिर जा रहा है और हमेशा की तरह माहिर आज भी सो रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, देखो जब माता के दर्शन करने जाते हैं। बहुत टाइम से सोच रहे थे, वैसे हम वीकली जाते रहते हैं वहाँ पर, तो अब काफी टाइम के बाद जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और हाँ जी, माता जो त्रिलोकपुर देवी है वो माता बालासुंदरी का मंदिर है और उसमें मेरा बहुत ही विश्वास है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। बरोबर हम आते रहते हैं, काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे कई मुरादें मांगी हैं जो हमारी पूरी भी हुई हैं। जब वो कहते हैं ना कि जब माता का बुलावा आता है तब कोई नहीं रोक सकता। आज मैं यमुनानगर जाने वाला था सुबह और जाने के लिए रेडी भी हो गया था, एकदम से वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और हमारा प्रोग्राम बनाया त्रिलोकपुर का। माहिर, मैं और हिमाली, और हमारे साथ जा रही है पूनम। पूनम हेलो करो, ऐसे करके। त्रिलोकपुर जो है हिमाचल में पड़ता है ये, ठीक है। तो हमारे घर से त्रिलोक 15-16 किलोमीटर है नारायणगढ़ से, और अम्बाला से है ये 55 किलोमीटर, चंडीगढ़ से हो जाता है 75 या 80 के करीब हो जाता है। तो चलिए चलते हैं फिर त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर देवी अभी दूर है, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। अभी हम स्टार्टिंग में यहाँ पे ध्यानो भक्त के मंदिर में आए हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं पहले। चलिए आप क्या बोल रहे हो कि अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेगा तो मारोगे आप? पार्किंग पर्ची दिखा रहा है किसने भाई जी? मैंने देखा नहीं, आपने मारा भाई साहब ने? हमने नहीं मारा भाई। आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेगा तो मारोगे आप? प्रसाद प्रसाद नहीं लोगे? मारे जी, हमने करो। कोई बात नहीं भाई साहब, छोटे मार रहे हैं आपको? देखो तभी आया मैं। हाँ भी बदमाशी, देखो इनकी क्या बात है। कौन ये मार रहा है? इसलिए भाई साहब हम लोग कह रहे हैं गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, शुरू हो गया एकदम से। उन्होंने आपसे माफी मांग ली है, आप सेटिस्फाई हैं? अभी इस भाई ने माफी मांगी है, उसने नहीं मांगी है जिसने सबसे पहले। तो उसकी तरफ से भी आप कह रहे हैं सॉरी? सॉरी कर रहे हैं भाई, उसको बुला ले भाई जी। मैं तो पैर भी उठाने यार, जो बंदा हाथ उठा सकता है वो माफी मांगते हैं, क्यों शर्मा रहा है इतना? चल भाई माफ नहीं मांगे, चलो चलो चलो, इन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाथ से बचती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा आप इधर, थोड़ा हमारी तरफ से, हम फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं आपके। जोश उसमें था मारने का, हम इतने सब लोगों के सामने आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? आप आपको टैक्सी ड्राइवर की जो पर्ची दिखा रहा था ना। माता के मंदिर में हमने प्रसाद ले लिया भाई साहब से और चल रहे हैं ऊपर। चले ऊपर, चलो जय माता की। माता के मंदिर में जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये जा रहा है ऊपर और एक रास्ता इससे थोड़ी आगे है, वहाँ पार्किंग है, वैसे आगे जाके उसके ऊपर से रास्ता है। यहाँ पे एक झगड़ा हो गया था अभी और एक पर्सन कोई बाहर से आया था, पानीपत से था बेचारा कोई, मैंने जैसे गाड़ी रोकी उसने भी गाड़ी रोकी, तो गाड़ी से वो उतरा, उसको यहाँ के लोकल लोग तंग करने लगे, पैसे की डिमांड करने लगे किसी बात को लेके, और मैं भी गाड़ी में बैठा था, एकदम से उसको मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने दोनों ने, और मैं एकदम से निकल के भागा गाड़ी से उसको बचाने के लिए। मैंने वीडियो भी ऑन किया, बाकी उसको हमने प्रोटेक्ट किया है अभी, क्योंकि बाहर से कोई आ रहा है, अगर लोकल लोग ऐसा करेंगे तो कौन वो देखेगा। अभी पुलिस को कॉल कर रहा है वो और हम सच्चाई बताएंगे पुलिस को। जय माता दी। यहाँ पे आगे पता चला हमें कि जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं
और जो 65 ईयर से ओल्ड पर्सनस हैं उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल, इसीलिए मुझे अकेले को आना पड़ा अंदर और हिमालय भी बाहर है माहिर के साथ। जय माता की, ये रीज़न रहा इसका। चलो देखते हैं फिर दोबारा, हमने माता के दर्शन कर लिए, अब फिर से हम नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा, तब यहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर पहले डोरी बांधने के लिए वहाँ पे होता था सामने, अब यहाँ पे है। जय माता की। इस डोरी को अपने साथ लेके जाएंगे हम और रास्ते में मारकंडे में इसको विसर्जित करेंगे। तो दर्शन हमने कर लिए हैं माता के, अब हम वापसी कर रहे हैं, चले। जय माता की, जय। पूनम बोलो जय माता की। जय माता दी। जय माता की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा और हमारी नई नई वीडियो आती रहेंगी उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Bye-bye.